आज आज़ाद भारत में देश को आज़ादी के मायने समझने की बेहद ज़रूरत है। आलम ऐसा है कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान आज कई सारी समस्याओं में जकड़ा हुआ है, जिससे कब मिलेगी आज़ादी, ये सवाल आज हर जनमानस के मन में है। स्वतंत्र भारत में हम लोगों की जवाबदारी बनती है कि आज जब से देश आज़ाद हुआ है, जिन राष्ट्र सपूतों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ की, जिन लोगों का मकसद था कि हम लोग देश को, जिन सोने की चिड़िया कहने वाली देश को जब उन्होंने आज़ाद कराया था, तो उनका मकसद ये था कि देश खुशहाल हो, इस देश से कहीं ना कहीं गरीबी दूर हो, इस देश में कहीं ना कहीं शिक्षा हो, और ये देश स्वतंत्र भारत जो है उसका जनतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो। आज़ादी के सच्चे मायने यही है कि हम लोग सिर्फ तिरंगा लगाने से या व्हाट्सएप चलाने से आज़ादी के मायने नहीं होते हैं। देश में जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, गरीब है, पिछड़ा है, आदिवासी है, हम लोगों को उनकी सेवा करना चाहिए, हम लोगों को बस्तियों में जाना चाहिए। आज जो अशिक्षित और जो भुखमरी इस देश में पड़ी हुई है, उसको दूर करना ही आज़ादी के सच्चे मायने। दूसरा एक क्वेश्चन और, मैंने अभी आपसे कहा कि स्वतंत्रता लोकतंत्र की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा है। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र पे, मीडिया पे कहीं ना कहीं राजनेताओं की नजर पड़ी हुई है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। तेरा मेरा छोड़ना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़ना पड़ेगा, कौमी एकता को के नारे को मजबूत करना पड़ेगा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नारे को मजबूत करते हुए इस भारत के लिए सबको सोचना पड़ेगा। व्यक्ति का व्यक्ति विशेष के लिए सोचना अब हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन और लास्ट, देखिए आजाद भारत की परिभाषा, आज देश में हम लोगों को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए, अगड़े पिछड़े की लड़ाई खत्म होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए, और कहीं ना कहीं सबको एक भारत के झंडे के नीचे, इस देश के झंडे के नीचे हम लोगों को सबको आके, और इस देश के उस व्यक्ति, उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जन सुविधाएं पहुंचना चाहिए, शिक्षा पहुंचना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचना चाहिए, और इस देश के लड़ने के लिए हम लोगों का एक जज्बा होना चाहिए। हमारा तिरंगा विश्वभर में लहराए, हमारी ये प्रतिज्ञा होना चाहिए कि हमारा तिरंगा पूरे विश्व में लहराए, और हम लोग सब मिलके इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस की मैं समस्त इंदौर शहरवासियों को, मध्य प्रदेश के और देश के समस्त रहवासियों को अपनी ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसी नारे के साथ इस देश के उन वीरों, उन महानायकों जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया और अपने प्राण तक निछावर किए, आज हम उनको याद करते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस देश में हम ये संकल्प लें कि हम लोग हर गरीब, पिछड़े, आदिवासी और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक की मदद के लिए हमेशा खड़े रहें, कि तभी हमारे देश का लोकतंत्र और इस देश के लिए स्वतंत्रता दिवस की तभी हम लोग हार्दिक शुभकामनाएं दे सकेंगे जब हम लोग ये सब कार्य पूरे करें। कहा जाता है कि हम आज़ाद आबोहवा में सांस लेने के साथ इस बात की भी महती ज़रूरत है कि हम इस आज़ादी को अक्षुण बनाए रखने के लिए अपनी दृढ़ शक्ति दिखाएं और सच्चे भारतवासी होने का परिचय दें। आज़ादी एक इतना बड़ा व्यापक शब्द है कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, हमारे महापुरुषों के बलिदान, जो स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों ने जो आज़ादी दिलाई है, उसे कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ये हमारा 15 अगस्त एक ऐसा भारत देश का सबसे बड़ा पर्व है, और आज़ादी का मतलब कि मेरे देश के लिए हम राजनीति से कहीं ऊपर देश है, और देश हमारा भारत देश को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे आज़ाद राष्ट्र में मैं निवास करता हूँ। और आज़ादी का बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, आज़ाद
देश में हमेशा हमारा देश एक ऐसा विकासशील देश हो जिसमें सभी वर्ग को आजादी हो, अपने हितों की रक्षा करने की आजादी हो, सुरक्षा हो और प्रगति पर निरंतर बढ़ते जाएं, और यही आजादी सही मायने में आजादी का नाम है, आजाद भारत। मैंने यही कहा कि हमारा देश, मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ कि इस आजाद भारत की जो नींव हमारे महापुरुषों ने रखी थी, हमेशा भारत देश हमारा निरंतर प्रगति करता रहे, देश में विश्व में सबसे बड़ा विकासशील देश हो, यही मैं कामना मेरे भारतवर्ष को 15 अगस्त के रूप में मैं बहुत बहुत जिला कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की बेला में देशहित से जुड़े हर मुद्दे को उठाने पर जोर देना चाहिए ताकि जनता से सरोकार रखने वाले हर मुद्दे को उठाया जा सके। इसलिए तो कहा जाता है हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आजादी के मतलब ये है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं मिले। आज बेरोजगारी की समस्या हल हो, आज गरीबी की समस्या हल हो, आज भुखमरी की समस्या हल हो और हिंदुस्तान के हर नागरिक को उसका अधिकार मिले, ये पूर्ण रूप से हिंदुस्तान की आजादी है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया रहेगा और आने वाले समय में पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व भारत करेगा, ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए। दूसरा, मैं एक राष्ट्रवीर परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आर्मी के ऑफिसर थे, तो पूरी राजपूत समाज की तरफ से मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का फर्क छोड़कर हमें आज संभाव से आजादी के बदलते मायनों को समझने की बेहद आवश्यकता है ताकि आजाद भारत को सक्षम भारत और संभाव भारत की परिभाषा भी प्रदान की जा सके। असल मायने में देश की आजादी जब है, जब देश के इस मेरे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को हर मूलभूत सुविधा मुहैया करवा पाए, उसको हर मूलभूत सुविधा मिले, स्वस्थ भारत रहे और जो मतलब एक इंसान की सबसे ज्यादा मूलभूत सुविधाएं जैसे कि गरीबी हो गई, गरीबी पे जब जिस दिन हम फतेह हासिल कर पाएंगे मैं उस दिन अपने देश को आजाद मानूं। एक जातिवाद हमारे देश का सबसे बड़ा नासूर है। गरीबी जिससे दो चीज और उत्पन्न होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, शिक्षा और ये जातिवादी तीन चीजों से जिस दिन हम लड़ाई जीत जाएंगे ये बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं जब ही मानूंगा कि हमने असली में कुछ करा हमारे समाज में। आजाद भारत की परिभाषा, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया के अंदर जब तिरंगा लहराएगा, जब मेरे लिए गर्व की बात होगी, हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात होगी और यही मेरा आजादी के पर्व पर संदेश है। देश हित सबसे पहले होना चाहिए, देश हित सर्व सबसे ऊपर हर एक नागरिक के लिए होना चाहिए और तिरंगा इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऊपर लहराए, यही मेरा आजादी का संदेश है। 15 अगस्त आजादी के इस पर्व पे पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे नगरवासियों को मेरा शुभकामना संदेश है और तिरंगा हमारी आन बान शान है और उसको सबसे ऊपर रखें, ये मेरा शुभकामना संदेश है। आजादी अनमोल है, आज हमें संकल्प लेना होगा कि देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ हम अंदरूनी रक्षा का भी पूरा पूरा ख्याल रखेंगे और समाज में देशभक्ति की ऊर्जा का संचार करते रहेंगे। मेरे लिए भारत देश की आजादी सर्वोपरि है। मैं राजनीति में रहकर देश हित सबसे पहले, यही मेरा संकल्प है। आजादी के मायने मेरे लिए हमें हमारे हिंदुस्तान देश का आम नागरिक मूलभूत सुविधा पा सके, देश से गरीबी भुखमरी जैसी समस्या समाप्त हो, यही मेरा देश की सच्ची आजादी है। ये मेरे देश की सच्ची आजादी। मेरा देश सोने की चिड़िया था, है और रहेगा।
आने वाले कल तक रहेगा। मैं मेरी ओर से इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 15 अगस्त को हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। देश को आजाद कराने के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आजादी की इस पावन बेला में हर कोई जश्न मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को आज़ाद कराया था और तब से यह देश सतत आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहा, आगे बढ़ रहा है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और आने वाले दिनों में प्रदेश में सब अच्छा ही अच्छा हो। मैं पूरे प्रदेश की जनता को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ।